हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हम लोग निकल रहे हैं अपने पहले लद्दाख ट्रिप के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। फटाफट से अपनी गाड़ी में सामान रखते हैं, बाकी सारी बातें मैं आप लोगों से गाड़ी में करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, सारा सामान भी हमने रख दिया है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं जम्मू, जो कि यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर है। 11 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचने में। तो लगभग हम अभी बज रहे हैं 4:15, तो अराउंड हम लोग जो पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे शाम को 6-7 बजे, क्योंकि बीच में एक दो ब्रेक भी लेंगे। तो दोस्तों, अभी लिया है हमने हमारा पहला फ्यूल ब्रेक। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस ट्रिप पे मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है। तो सबसे पहले है हमारा भानु भाई, फिर है नीरज, फिर इसको तो आप जानते ही होगे, और साथ में हमारे स्पेशल जीजा जी। पहले हम लोग के साथ कुमेर जा रहा था, बट उसकी एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तभी हमने जीजा जी से पूछा और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फटाफट से छुट्टी अप्लाई करी और उनकी हैंड टू हैंड छुट्टियाँ सारी अप्रूव हो गई। तो दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी की टंकी फुल हुई है 2910 रुपये में। टोटल पेट्रोल आया है 30 लीटर। गाइज, अभी बज रहे सुबह के 5:15 और हम लोग पहुँच चुके हैं मुड़तल। ये देखिए सारे ढाबे यहाँ पे। तो हमारे ट्रिप का पहला टोल आ चुका है, ये है मुड़तल का टोल प्लाजा। तो ये मेन दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है और ये चल रहा है किसान आंदोलन। चाचा जी बीच में आ गए और ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा हाईवे इन लोगों ने पूरा से जाम करा हुआ है। अभी 15 मिनट का स्ट्रेच जो था वो हमने लगभग 1.5 घंटे में पूरा किया है सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फुल 5-स्टार फैसिलिटीज मिल रही है इन लोगों को। तो दोस्तों, अभी हम लोग रुके हैं संत ढाबा पे और ये पड़ता है आपका जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है उस पे। सबसे ज़्यादा भूख लग रही है इसको, रात से भूखा है तू? अरे रात को 8 बजे खाया था भाई, सुबह 11 बजे 12 घंटे। दोस्तों, आज है 1 मई और ये 9 दिन लंबा ट्रिप होने वाला है। मैं इस ट्रिप की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। ले जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक मनाली हाईवे और दूसरा है जम्मू हाईवे। तो अभी मनाली हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इस वजह से वो हाईवे बंद किया हुआ है और हम जम्मू हाईवे से जा रहे हैं। आज हम लोग जम्मू में स्टे करेंगे, फिर सेकंड डे हम लोग जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, थर्ड डे अगर श्रीनगर ले वाला हाईवे खुला होगा तो हम डायरेक्ट ले जाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ डे हम पूरा ले घूमेंगे, सिक्स्थ डे हम फिर दोबारा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। पंजाब आए और पराठे ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है शायद पनीर का, बनो तेरा कौन सा? गोभी, गोभी का, और बाकी सारे हैं आई गेस आलू प्याज के। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है हमारा, अब करते अपनी जर्नी कंटिन्यू। बट जर्नी कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी गाड़ी। ये रही हमारी अमेज और हमने कुछ ऐसे इसमें अपने स्टिकर्स लगवा रखे हैं। मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी बना रखी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 5 लोग जो आ रखे हैं, इसमें कुमेर नहीं है, इनकी जगह पे अजय जी है जी हमारे साथ। ये हमारे चैनल का नाम और इसके बैक साइड में दिल्ली टू ले 2024, यहाँ पे YouTube का लोगो और हमारे चैनल का हैंडल। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कैसे लगे आपको ये स्टिकर्स। अब निकलते हैं जम्मू के लिए, यहाँ से जम्मू है लगभग 7 घंटा और दूर।
अभी हम लोग रुके अपने सेकंड फ्यूल ब्रेक के लिए। अभी हमारी गाड़ी जो है लगभग 400 किलोमीटर चल गई है और एवरेज हमारी गाड़ी ने लगभग 18 की निकाली है और 24 लीटर कंज्यूम हो चुका है अभी तक। अभी रुके हैं हम पठानकोट से आगे और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। ये लो भाई सिस्टम है। इस वक्त हम लोग हैं पठानकोट में और अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 30 डिग्री और यहाँ पे इस वक्त दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई लोगों अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में एंट्री कर ली है और एंट्री करते ही हमने यहाँ पे लिए है शहतूत। अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज है, एक्चुअली हम हमारे एस्टिमेटेड टाइम से 2 घंटा पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि अभी थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है हम लोगों के अंदर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम जम्मू नहीं, हम डायरेक्ट उधमपुर जा रहे हैं और अगर हम उधमपुर भी टाइम से पहुँच गए तो हम फिर पटनी टॉप जाएंगे जो कि वहाँ से सिर्फ आधा घंटा ऊपर है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग फाइनली उधमपुर पहुँच चुके हैं। जीजा जी और नीरज अभी यहाँ पे होटल वगैरह देखने के लिए गए हैं, आज हम यहीं स्टे करेंगे और फिर यहाँ से कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हमने ले मार्स होटल फाइनल किया है, ये पड़ता है उधमपुर और पटनी टॉप वाले हाईवे पे। अभी चलते हैं अंदर, मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ जो हमने लिया है। तो ये हमारा रूम गाइस, यहाँ पे एक बेड है, ये अटैच्ड वॉशरूम और इस रूम की जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये व्यू, देखिए आप एक बार। तो दोस्तों हमने जब ये ट्रिप प्लान किया था तो हमने ये डिसाइड किया था कि इस पूरे 9 दिनों में हम किसी भी एक टाइम का खाना है जो है अपने आप बनाएंगे और अभी चल रही है उसी की तैयारी, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। ये हमारे शेफ नीरज चोपड़ा, ये चिकन साफ कर रहे हैं और ये है मिस्टर भानु अग्रवाल, ये यहाँ पे धनिया और प्याज टमाटर काट रहे हैं। और आप भी आज के शेफ या ये दोनों ही? बस मतलब किचन हेल्पर है आप आज? चलिए तो क्या बना रहे हैं आप लोग? भानु क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनेगा इससे? ये इससे अरे चिकन की यार, बटर चिकन बना रहा है, कोरमा बना रहा है। तो आज बन पाएगा और हम खा पाएंगे? 12 बजे तक। चलिए दोस्तों एक बार इनका चिकन बनने दीजिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इन्होंने चिकन का क्या हल करा है और टेस्ट भी करके बताऊंगा कि खाने लायक भी है या फिर ये दोनों ही खाने वाले हैं आज बस। अभी चलते हैं भानु और के रूम में क्योंकि 1 घंटा हो गया उनको खाना बनाते बनाते, देख के आते हैं उनका नॉनवेज कहाँ तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा ब्रो? बस शक्ल दिखाओ। ओ तेरी, भाई शक्ल तो मस्त लग रही इसकी। तंगड़ी का पीस है भाई। भाई कितनी देर और लगेगी इसको बनने में? तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवी चिकन? ऑथेंटिक इंडियन चिकन करी। ऑथेंटिक इंडियन चिकन करी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और बात करते करते हम लोग को पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कब हो गया। आज पहला दिन था हमारा इस दिल्ली टू लेह ट्रिप का, बहुत अच्छे से गया हमारा ये दिन और कल हम लोग को निकलना है श्रीनगर के लिए, वो भी सुबह 6 बजे। तो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।